चलो भाई एवरीवन, आ जाइए सभी, स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही होंगी। ठीक है, देखो जीके जीएस की यार प्रॉब्लम सभी को चल रही है, पढ़ सभी से रहे हो आप लोग, ये बात तो आप सभी को पता है कि किसी ना किसी एजुकेटर को कोई ना कोई बच्चा जरूर फॉलो कर रहा है और हर एक एजुकेटर से आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे हो और कुछ ना कुछ मज़ेदार बातें सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नए चीज़ें सीख रहे हो। एक चीज़ देख रहे हैं यार, पढ़ो कहीं से भी लेकिन प्रैक्टिस करो ज़्यादा जगहों से। मतलब प्रैक्टिस करने का मतलब ये हो गया आप हर जगह से सीखो कि क्या वहाँ पर नया मिल रहा है, कैसे वहाँ पर पढ़ सकते हो, किस तरीके से वहाँ पर पढ़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। इसी चीज़ को देखते हुए मैं सत्यन गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जीके जीएस के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम मुझे बच्चे यहाँ पे चाहिए, जितने बच्चे यहाँ पे हैं सब के सब लाइव आ जाइए। और ऐसे हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो वाकई परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट चल रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेट आपके लिए डेली चलेगा। मतलब ये हो गया कि आज आपको पहली सेट तो मिल ही रही है, इसमें आपको दूसरी सेट, तीसरी सेट, मतलब ये जीके जीएस का पहला पार्ट तो है ही, जीके जीएस का दूसरा पार्ट, जीके जीएस का तीसरा पार्ट, जीके जीएस का चौथा पार्ट, हर एक पार्ट आपको मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज़ ध्यान ही देनी है कि हर क्वेश्चंस को आपको बताना है, तो जैसे क्वेश्चन दिखेगा तुरंत कमेंट करना है, ए बी सी डी आपके पास चार ऑप्शन होंगे उसको तुरंत कमेंट करना है। तीसरी बात क्या करनी है कि यार एक चीज ये बात सोचो, अगर आप हम 50 क्वेश्चंस अगर डेली करने वाले हैं तो क्या हम लोग इसका 5 गुना बच्चे यानी 250 बच्चे को लाइव नहीं देख सकते क्या? बोलो भाई सभी के सभी, 33 बच्चे अभी बहुत कम है, तो हम 250 बच्चे लाइव के साथ डेली तो इस काम को कर ही सकते हैं। ओके एवरीवन, चलो सबके सब आ जाओ जल्दी से। एक बार जितने भी बच्चे लाइव आ गए हो, अगर मेरी वॉइस और मेरी वीडियो हर बच्चे को क्लियर आ रही है तो एक बार सब के सब जितने जोरदार तरीके से रेडी बोलो। और जो बच्चे बाद में देखेंगे सेशंस को वो भी ऐसी तरीके से सेशन को सॉल्व करेंगे कि उन्हें लगे कि यार वो लाइव पढ़ रहे हैं। जब तक आप इस जीके जीएस के सेशन को आप एकदम क्लियरली अपने ऊपर नहीं लेके करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये जानना, ये नए पैटर्न पर आधारित है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो आजकल जमाने में पूछे जा रहे हैं, मतलब 2020 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं ये उस पर डिपेंड है। यानी आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, हासू क्वेश्चन मिलेंगे, मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ओके सब के सब बच्चे जल्दी से कर दो रेडी कमेंट और सब के सब बच्चे आ जाओ इस सेशन में, सब के सब बच्चे रेडी हो जाओ। करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत, देखते हैं 50 क्वेश्चन तक के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं। एवरीवन, एकता, नेहा, मनीष, विशाल, कृष्णानु, मुन्ना, श्यामलाल, शिवानी, गणेश, राजेंद्र, एवरीवन, सब के सब भाई रेडी बोल दो और एक जगह जरूर शेयर करना है ना, एक जगह जरूर शेयर करना इस सेशन को, तभी जाके मजा आएगा। और अपने आप से दूसरों से कंपटीशन देखो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 50 क्वेश्चन लिखो एक कॉपी पे, खुद देखो कि कितने क्वेश्चन सही किए। चलो करते हैं शुरुआत, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से कर दो कमेंट, बता दो सही आंसर क्या होगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आर्टिफिशियल पोर्ट आप सभी से पूछा गया है। चार ऑप्शन दिख रहा है, कांडला, मंगलौर, चेन्नई या फिर मद्रास या फिर हल्दिया, पहला कौन सा होगा। कृत्रिम बंदरगाह के बारे में आप सभी से पूछा गया है, वेरी गुड, सब के सब आ जाइए, सब के सब रेडी 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 रेडी। बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ढांसू सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। सब के सब बच्चे भैया जल्दी से आ जाइए, मैं यहाँ पे समय शुरू कर दे रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, आप सभी के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय दूंगा, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूंगा तो आपके लिए तुरंत ये 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। ओके अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सही आंसर क्या होगा, पहला कृत्रिम बंदरगाह, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आने लगा। सबको याद रखना है कि पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन है, चेन्नई या मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह, रिवीजन मारो जल्दी से, क्या होगा, चेन्नई या मद्रास होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आओ जो दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, बता दो जल्दी से पोल करके, समय शुरू होता है अब बताओ जल्दी से, मात्र 30 सेकंड पे। लेब्रॉन जेम्स किस गेम से संबंधित है, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जल्दी से बता दो, समय जल्दी से खत्म होगा, 30 पे जैसे आएगा मैं क्वेश्चन बंद कर दूंगा, आंसर बता दूंगा क्या होगा, जल्दी से करो सबके सब कमेंट। वेरी गुड यार, वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से कमेंट करो। लेब्रॉन जेम्स, अभी बहुत ज्यादा इनका नाम उछला था हाल ही में, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, समय खत्म होने वाला है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलो भैया
समय खत्म, देखते हैं किस गेम से संबंधित है। लेब्रॉन जेम्स। किससे संबंधित है मेरे भाई? बास्केटबॉल से। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? क्वेश्चंस लेवल के दिख रहे हैं कि नहीं लेवल दिख रहे हैं? और एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन हमें भर भर के आने हैं, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा आने हैं। इसी बात पर जल्दी से कर दो लाइक। और अब बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। समय शुरू होता है आपका, समय से पहले संपन्न चुनाव को क्या कहते हैं? स्नैप पोल, उपचुनाव, जनमत सर्वेक्षण या फिर एग्जिट पोल। समय शुरू हो गया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा अंजन भाई, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, सबको पीडीएफ मिलेगा। जितने बच्चे सेशन शेयर करोगे पीडीएफ जरूर मिलेगा भाई। सेशन को जल्दी से शेयर करो और बताओ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना? चलो बताओ भाई। हाँ पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, शेयर करते रहो, पीडीएफ जरूर मिलेगा। शेयर करते रहिए भाई, पीडीएफ जरूर मिलेगा, है ना? शेयर करते रहिए। चलिए समय खत्म क्या हो जाएगा? जो समय से पहले चुनाव खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं स्नैप पोल। क्या बोलते हैं? स्नैप पोल बोलते बोलते हैं। बिल्कुल सही। नहीं 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 जहांगीर भैया, ओपिनियन पोल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नैप पोल बोलते हैं। ओके बी नहीं अभिलाष, गलत हो गया। क्या बोलेंगे? स्नैप पोल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके कभी भूलना नहीं है, तुरंत याद रखो, जल्दी से रिवीजन मारो। स्नैप पोल समय से पहले खत्म होने वाला, स्नैप स्नैप स्नैप। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे पे बता दो सही आंसर क्या होगा। और आपका समय शुरू होता है अब मात्र 30 सेकंड का। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन, खुद पढ़ो, खुद आंसर करो। 30 सेकंड के बाद मैं आपको बताने ही वाला हूं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन खुद पढ़ो, खुद आंसर करो, जल्दी से बताओ, पोल करो भाई, सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड एवरीवन। हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ वेरी गुड। जिसका बफरिंग होगा रिफ्रेश कर दोगे सही हो जाएगा, जिसका बफरिंग होगा रिफ्रेश कर दोगे सही हो जाएगा। समय खत्म होने वाला, जल्दी से करो कमेंट। चलो समय खत्म हो गया, देखते हैं क्या होगा सही आंसर। ठीक, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ो यार, जल्दी से, पहले सबके सब क्वेश्चन पढ़ लिए है ना? चलो भैया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या होगा। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और याद रखना, जो दिलवारा मंदिर था राजस्थान वाला, मोहम्मद मुमताज का, बिल्कुल सही है मेरे भाई, तेजपाल ने बनवाया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी बिल्कुल सही होगा, तेजपाल भैया, तेज हो जाएगा, तेजपाल इज द राइट आंसर। याद करना, गलत मत कर देना। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनाया था? तेजपाल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे, जल्दी से बता दो समय। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। समय शुरू होता है मात्र आपका 30 सेकंड का। जल्दी से सोचो मन में क्या हो सकता है सही आंसर। सबके सब बच्चे जल्दी से सोचो। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया यार, हम लोग 70 बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ 24 है। जल्दी से लाइक करो मेरे भाई, जल्दी से शेयर करो। सबसे 250 क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए जो परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कमेंट कर दो, बता दो सही आंसर क्या होगा। एवरीवन सबके सब जल्दी से बताइए। ओके वेरी गुड यार। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट बहुत बेहतरीन सी किताब है, किसने लिखा है? स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट, सॉरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ। समय खत्म, देखते सही आंसर क्या होगा। किसने लिखा है? कपिल देव ने। अच्छी किताब, अच्छा नाम, अच्छा काम, और सबसे बेहतरीन किसने लिखा? कपिल देव ने। भूलना नहीं चाहिए, दोबारा मन में मारो रिवीजन, एक बार फिर से पढ़ो, जल्दी से बताओ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखा है? कपिल देव ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यस बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया, छठा क्वेश्चन। समय शुरू होता है, जल्दी से करो पोल। क्वेश्चन खुद पढ़ो, बताओ सही आंसर क्या होगा। एवरीवन सबके सब क्वेश्चन खुद पढ़िए, बताइए सही आंसर क्या होगा। एवरीवन वेरी गुड यार, 30 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए, 30 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मजा आने वाला है, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। 30 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए, बताओ। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो भैया समय खत्म होता है, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखना, आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एशिया के किस हिस्से में कोरियाई प्रायद्वीप स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोरियाई प्रायद्वीप एशिया के किस हिस्से में है? यानी ये सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट एशिया में स्थित है ना? जो कोरियन पेनोसिला है, याद रखना सब बच्चे,
कोरियन पेनिनसुला ईस्ट में, वेस्ट में नहीं भैया, कहां पे है कोरियन पेनिनसुला? ईस्ट में स्थित है। अगले क्वेश्चन भी आ जाओ, सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने। समय शुरू है ना? हाँ समय शुरू, जल्दी से बताओ सातवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सबके सब भैया जल्दी से आंसर करिए, बताइए सही आंसर क्या होगा सातवें क्वेश्चन का। ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी एशिया, ना कि साउथ में, है ना? पूर्वी एशिया ना कि साउथ में, जल्दी से बताइए। समय शुरू हो रहा, समय चल रहा आप सभी के लिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड यार, हाँ ईस्ट में बताइए। चलो समय खत्म, देखते क्वेश्चन क्या कहता है। यार बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो हम सभी को पता होना चाहिए था, है ना? इसका आंसर हम सभी को पता होना चाहिए। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण है, मतलब फॉरेस्ट, भारत के किस राज्य में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है? हर बच्चों का आंसर पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जल्दी से बताओ तो। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके सबके सब कमेंट करो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो एक चीज ये भी कमेंट करो जल्दी से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वेरी गुड यार, कौन है? कमलनाथ है। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, भैया वहां के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। मात्र 30 सेकंड का समय, पोल स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करो कमेंट, बता दो सही आंसर क्या होगा। सबके सब बच्चे जल्दी से कमेंट करो, है ना? चलो भाई, शिवराज नहीं है भाई मेरे, कमलनाथ है। शिवराज नहीं है, है ना? कमलनाथ है। अच्छा मैं ये समय हटा देता हूं, है ना? कोई मतलब नहीं हो रहा समय का, मैं क्वेश्चन आप लोग मैं पढ़ दूंगा, आप लोग को बताना है ना? सिराज नहीं है, कमलनाथ है। हाँ वेरी गुड यार अंजन। चलो, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है? किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला एकल गुणसूत्र खमीर बनाया है? जल्दी से करो सबके सब कमेंट, बता दो सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, सबका सब सही है भैया, चाइना ने बनाया है ना। एकल गुणसूत्र खमीर बनाने वाला दुनिया का पहला देश है, याद रखना कौन है भैया? चाइना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चाइना बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी यहाँ पे एक वायरस भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, जल्दी से बता दो। चाइना का ही क्वेश्चन है और अभी यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, अभी यहाँ पे बिल्कुल सही बात है भाई, जल्दी से बताओ सबके सब जल्दी से। चाइना वायरस, जल्दी से, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा हुआ है ये फेमस। वेरी गुड यार, कौन सा? कोरोना वायरस, चारों ने बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और हो सकता है एनटीपीसी में, ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएं, उसको भी हमें कंफर्म याद रखना है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, नौवे क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक भारतीय राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल के द्वारा? क्वेश्चन क्या है? न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जल्दी से बता दो भाई सब के सब। नौवे क्वेश्चन आप सभी के सामने। यस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, जो भी नाम है ना? और बहुत ज्यादा लोग की मौत भी हो चुकी है ना, 1,000 लोग से ज्यादा यहाँ पे इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, और कई सारे लोगों की यहाँ पे मौत भी हो गई, इस चीज को भी समझना, ठीक है? हाँ वेरी गुड यार, एक भारतीय राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? सबको पता होना चाहिए भाई, जिला न्यायाधीशों की बात हो रही है, मतलब जिले में न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो राज्यपाल क्यों करेगा उस चीज को? अगर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात होती तब भाई किसी और के द्वारा की जाती, लेकिन अभी अगर जिले की बात करेंगे, सॉरी स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्यपाल करेंगे। इसी बात पे एक क्वेश्चन जल्दी से आप सबके सामने आता है, यूपी के गवर्नर का नाम बताओ सबके सब, यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम बताओ सबके सब। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, जल्दी से बताइए, यूपी के राज्यपाल का नाम बहुत ज्यादा फेमस होगा और आप सभी को पता चेंज हुए थे हाल ही में। यस बिल्कुल सही, अभी कौन है? आनंदी बेन पटेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत, ये भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, हर राज्य के मुख्यमंत्री याद होने चाहिए, हर राज्य के राज्यपाल याद होने चाहिए, हर क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे जरूर पूछे जाते हैं। इसी बात पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, जल्दी से बता दो, कर दो पोल, यानी कमेंट कर दो, बताओ द भैया आंसर क्या होगा।
दसवां क्वेश्चन आप सभी के सामने। योगी नहीं है? हाँ योगी, बिल्कुल सही बात है, आनंदी योगी। हाँ योगी वहां पे क्या हो गया, योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्यमंत्री हो गए, आनंदीबेन पटेल वहां की राज्यपाल हो गई। वेरी गुड यार मेरे भाइयों, सब के सब। चलो दसवां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, वेरी गुड, आंसर आना भी शुरू हो गया है। अल्ट्रासोनिक जो आपकी रेंज होती है, मतलब क्या अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा है वो मतलब अबव है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से, यानी 20,000 से भी ज्यादा उनकी रेज फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हर बच्चे को पता होना चाहिए। अल्ट्रा मामला आ रहा है, तो अल्ट्रा मतलब क्या हो गया, 20,000 से भी ज्यादा, तो अल्ट्रा हो गया। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से करो पोल, बताओ सही आंसर क्या होगा। और 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, कौन सा जिला चार विभिन्न राज्यों को स्पर्श करता है, आप सभी के सामने ये, जल्दी से करो पोल, जल्दी से करो भाई। हयास, बिल्कुल सही भाई मुकेश, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृष्णानु, विमलेश, बिल्कुल सही भाई मुकेश, रवि तेजा, सोनू कुमार, शिवानी, श्रुति, विमलेश कुमार, और लेटेस्ट मूवी कलेक्शन पॉइंट, क्या क्या नाम रख लेते हो मेरे भाई। चलो कौन सा जिला चार विभिन्न राज्यों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला है, 11वां क्वेश्चन, समय खत्म होता हुआ, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सोनभद्र, अपने चार विभिन्न राज्यों को ये स्पर्श करता है। सोनभद्र कहाँ का जिला है, जल्दी से बता दो, सबके सब बता दो जल्दी से। सोनभद्र सही आ रहा है, बिल्कुल सही, लव यू भाई अभिलाष। सोनभद्र कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक हीटर का जो तार होता है वो किस चीज का बना होता है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से बता दो क्या होगा सही आंसर। 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, एक बार जल्दी से लाइक करो सबके सब, लाइक बहुत कम हो गए, और मजा सभी को आ रहा है यार, क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चंस की क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन किस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें देखने का नहीं है। तो इसी बात पर जल्दी से लाइक कर दो और बता दो कि क्या होगा भैया। इलेक्ट्रिक हीटर का तार किस चीज के बना होता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। यस यस, 12वां क्वेश्चन, किस चीज का बना होता है मेरे भाई, नाइक्रोम का बना होता है ना, नाइक्रोम का बना होता, आसान सा क्वेश्चन है। 13वें पे आ जाओ, समय शुरू हो गया, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, बताओ सही आंसर क्या होगा। समय शुरू आपका अब मैं फिर से समय स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। समय चलेगा, हर क्वेश्चंस को आपको 30 सेकंड में पढ़ना है और खुद रिप्लाई करना, फिर मैं बताऊंगा। हर क्वेश्चंस को आपको 30 सेकंड में खुद पढ़ना है, खुद रिप्लाई करना, ताकि आपको पढ़ के रिप्लाई करने की क्षमता बढ़ती जाए, और नंबर भी तभी आएंगे जब आपको सही समय में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी नंबर आएंगे। बताओ समय शुरू हो रहा है, जैसे यहां पे आके मैं बंद कर दूंगा। चलो जल्दी से बताओ भाई, सब के सब बताइए। चलो भाई देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे, बहुत पहले की समिति है ये, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति कौन है, बिल्कुल सही। डी डी डी, सी कहां, सी कहां, सी कहाँ हो जाएगा, स्वदेश बांधव समिति डी हो जाएंगे, अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्वदेश बांधव समिति याद करना, गलत मत, गलत मत करो, स्वदेश बांधव समिति कौन है संस्थापक, अश्विनी कुमार दत्ता, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। हाँ बिल्कुल सही है भैया, है ना, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है। 159 शाखाएं हैं इसकी टोटल, 159। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, चलो 30 सेकंड का समय आप सबके सामने शुरू हो गया, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से करो आंसर क्या होगा सही, जल्दी से बता दो और लाइक कर देना। हाँ अश्विनी कुमार दत्ता, यस बिल्कुल सही, एकता, समझ में आ रहा है, एकता, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेटेस्ट मूवी कलेक्शन पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो भैया बताओ, 14वां क्वेश्चन, समय चल रहा है, जल्दी से करिए पोल, बताइए सही आंसर क्या होगा। चलो समय खत्म, देखते हैं। 1602 ईस्वी में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार, संगठित शेयर बाजार मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कहां पर स्थापित किया गया, किस सन की बात कर रहा है, 1602 ईस्वी में, किस सन की बात कर रहा है, 1602 ईस्वी में, नहीं, गलती नहीं करो, गलती नहीं करो, तो कहां पर किया गया, याद नहीं आप लोग को, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में,
कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड याद रखना। पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 ईस्वी में, वर्ल्ड का पहला, ये भी याद रखना, मतलब विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज था ये कहां पे हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबको याद होगा, जल्दी से मारो रिवीजन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होगा। और समय शुरू होता है आपका ये, पढ़िए बताइए क्या होगा। 30 सेकंड का मात्र समय है, सोच समझ के आंसर करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं आएगा तो नो बोल देना। हाँ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, सबको याद होना चाहिए, ठीक। चलो वेरी गुड यार, चलो समय खत्म हो रहा है, बताओ भाई जल्दी से। चलिए समय खत्म, देखते हैं। कहता है कम तापमान को अगर मापना है तो किसका यूज करेंगे? कम तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रायोमीटर। ऑप्शन नंबर बे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रायोमीटर। अगर हमें कम तापमान मापना है तो हम करेंगे क्रायोमीटर का यूज, ठीक। 16वें पे आ जाओ। चलो भैया समय शुरू, मात्र 30 सेकंड, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए बताइए क्या होगा। और आप सभी का क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। मैं हट जाऊंगा सामने से, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। चलो, नीदरलैंड होगा शायद, अगर एम्स्टर्डम होगा तो नीदरलैंड। चलो बताइए, चलो समय खत्म, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। पिंगली वेंकैया का 141वां जन्मदिन 2 अगस्त को मनाया गया था। अब भैया 2 अगस्त को जिनका बर्थडे मनाया गया, पिछले बार किया है, 2019 की बात है, कौन सा जन्मदिन? 141वां जन्मदिन। अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वो कौन थे, हम उन्हें कैसे जानते हैं? सबको याद होना चाहिए, जो हमारा प्यारा तिरंगा है जिसका 26 जनवरी को हम सभी लेकर घूमेंगे इधर उधर, वो उन्होंने ही डिजाइन किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी सबको याद रखना, जितने बच्चों को नहीं याद है उनको भी याद करना है, जिनको याद है उनको भी याद रखना है। क्या पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का यानी नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का डिजाइन इन्होंने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मात्र 30 सेकंड के लिए समय शुरू होता है आपका अब, जल्दी से क्वेश्चन को करिए करिए बताइए कमेंट कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड यार, चलो बताओ। 30 सेकंड है आप सभी के पास, जल्दी से बता दिया करिए आंसर क्या होगा, है ना? हाँ 30 सेकंड इज इनफ। चलो बताओ भाई, समय खत्म होने वाला, देखते हैं क्या होगा सही आंसर, ठीक देखते हैं। वेरी गुड यार, जेम्स ए गॉसलिंग ने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था? क्या नाम है? जेम्स ए गॉसलिंग, जेम्स ए गॉसलिंग, किससे नाम शुरू हो रहा है? जे से। तो क्या विकसित करेंगे? जावा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जावा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई जरूरत याद करने का? जेम्स ए गॉसलिंग, जावा, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भैया 18वां, समय शुरू बताइए। हाँ इसी तरीके से याद करोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ सबके सब बच्चे, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है सही आंसर, जल्दी से करिए कमेंट और बताइए क्या होगा। अच्छा एमसीए पढ़ने का ये फायदा। हाँ चलो बताओ, चलो समय खत्म, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। मजा नहीं आ रहा पोल वाला, ये समय वाला, 30 सेकंड वाला, क्या करे छोड़ दे 30 सेकंड वाला, चलो जाने दो 30 सेकंड को, है ना, कुछ मजा नहीं आ रहा। उतना तो आप कर ही ले रहे हो आराम से, मैं ही पढ़ दूंगा उतने देर में, कोई जरूरत नहीं, मजा तो आ नहीं रहा 30 सेकंड वाले में। चलो देखते हैं भैया क्या होगा। इन अ स्ट्रीम लाइन, किसी स्ट्रीम लाइन में जो तरल पदार्थ होता है, ध्यान देना, जो तरल पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ में वेग जो होता है हर बिंदु पर एक समान रहता है। यानी जो आपका वेग होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है, वो हर जगह पे समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
ये बताओ आपको कुछ चेंजेस चाहिए इस 7 बजे वाले सेशन में? मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली रिवीजन सेशन करेंगे, मतलब रिवीजन क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़े हैं ऑलरेडी प्लस पे उनसे रिवीजन, जो स्पेशल में पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन है, लेकिन हम लोग डेली इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस से करेंगे। क्या इस तरीके से करना बिल्कुल सही है? यूट्यूब पे पोल कहाँ से आ सकता है ये तो सोचिए, यूट्यूब पे पोल कहाँ से आ सकता है? क्या ये सेशन सबको ऐसा सही लग रहा है? ऐसे क्या होगा, नए बच्चे रहेंगे उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान से रहेंगे, क्योंकि लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मिलेंगे बढ़िया, और जो पुराने बच्चे होंगे उनके लिए रिवीजन होता रहेगा। अच्छा ऐसे काफ़ी बढ़िया, ठीक है चलो 19वें पे आ जाओ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सभी तब तक अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला एक बल होता है, वो बल क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शन है, आसान सा क्वेश्चन है, सोचो समझो और बता दो तुरंत। हाँ पर डे होगी, पर डे होगी ये क्लास, पर डे होगी, पर डे 7 बजे होगी, है ना, पर डे 7 बजे ही होगी, ठीक पर डे होगी। चलो क्या कहलाता है भाई, कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु है, इन दोनों के बीच में एक बल काम करता है, अगर वो आपस में चल रहे हैं तो वो बल होता है घर्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। हाँ आसान था, चलो वेरी गुड, आसान से क्वेश्चन, अगले पे आ जाओ। पेंटेन हैज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। पेंटेन के जल्दी से बताओ, सबके सब कमेंट करो, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, कितने होंगे मेरे भाई पेंटेन के? 3 होंगे, यानी 1 2 3। पेंटेन के कुल कितने समावयवी होते हैं? 3 समावयवी होते हैं, यानी 3 आइसोमर होते हैं पेंटेन, यानी 5, ठीक याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल सही, फ्रिक्शन काम करता था, बिल्कुल सही बात। अगले क्वेश्चन पे आओ, भारत ने किससे यानी किस राज्य से स्वदेशी विकसित सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस राज्य में, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, 21वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से करिए। नहीं 3 है, मतलब वो उसने उसके आइसोमर पूछे हैं, वो नहीं पूछा कि भाई कार्बन कितने हैं। पेंटेन में तो कार्बन 5 होते हैं ना भाई, आइसोमर थोड़ी 5 होते हैं। एमसीए करने का ये फायदा तो नहीं है कि ये भी पता चल जाएगा। बताओ भैया इसका आंसर सही से। हाँ बिल्कुल सही, कहाँ पे हो जाएगा ये? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। याद नहीं है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन याद नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, डेली आओगे प्रैक्टिस होगी तभी जाके चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं याद रहेगा तो कोई मजा नहीं आएगा। तो भारत ने उड़ीसा से स्वदेशी विकसित सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना हमारे पास दी गई है, किस योजना में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ सफिशियंसी वहां पे मेजर वो था कि भाई जरूरी है सभी को, ये क्वेश्चन है 22वां, जल्दी से करिए पोल, बताइए क्या होगा। आत्मनिर्भरता, यस, किसमें? 7वीं। अब याद कैसे करेंगे, जब लोग साथ साथ रहते हैं तो थोड़ा सा वो रहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारे मतलब मानो आपकी फैमिली में 7 10 मतलब हैं लोग, सभी के सभी साथ साथ रहते हैं लोग, तो आप थोड़ा सा चलो ये रहेगा कि भाई चलो वो नहीं कमा रहे तो हम कमा रहे, हम धीरे धीरे करके अपना यूपीएससी की तैयारी करेंगे, 2 साल उसमें 3 साल उसमें जिसमें लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो थोड़ा सा मतलब वो रहता है, तो साथ साथ रहोगे तो आत्मनिर्भरता बनी रहती है, आत्मनिर्भर रहोगे नहीं लेकिन आत्मनिर्भरता बनी रहेगी। तो भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23वां, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल सही यार, राज बिल्कुल सही, मोहम्मद मुमताज, राकेश बिल्कुल सही, शिवानी बिल्कुल सही, जल्दी से बता दो भारत के संविधान को अपनाया कब गया था? 23वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल सही, कब? 26 नवंबर 1949। और पूरी तरीके से लागू कब हो गया था? 1950, 26 जनवरी, जो कि आपका कुछ दिनों बाद आने वाला है, ठीक है। तो दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो याद होना चाहिए, किस तरीके से करना है वो याद होना चाहिए, कैसे याद करना है वो याद होना चाहिए, समझना है वो याद होना चाहिए, अंगीकृत कब किया गया था वो भी याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बच रहे हैं, जल्दी से बताओ भैया अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक जल्दी से बताओ। हाँ ए नहीं नवनीत, ए नहीं, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में, याद रखना। अगले पे आ जाओ,
शैलेश नायक समिति किस चीज से संबंधित है, और ये रहा आपके पास चार ऑप्शन। पढ़ो जल्दी से, करोगे आंसर कमेंट, बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शैलेश नायक समिति है ना, देखो आपको अपने आप को पहचानना है कि आप किस लेवल पे खड़े हो, है ना, आपको अपने आप को पहचानना है आप किस लेवल पे खड़े हो, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो डेली की सीरीज से। अगर मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो एक दिन में 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, है ना, इसे डिटेल निकालना आपका काम है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहां से जाके जोड़ना, पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। और जो अगर आपने प्लस नहीं बाय किया तो ऊपर आपको दिखाई देगा रेफर कोड, प्लस बाय कर लेना, वहां पर भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हाँ चलो, सही आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन है। इन्होंने जितने भी कोस्टल आपके जो चीज़ें हैं, जैसे कोस्टल जितने भी तटीय हैं वहाँ पे क्या क्या रेगुलेशन होंगे, इनके बारे में इन्होंने बताया था और सरकार ने इनकी समिति को बातें मानी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इधर राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। किस पदार्थ को दुनिया की सबसे पतली सामग्री के रूप में माना जाता है, बता दो, है ना। हाँ, किस पदार्थ को, यार लाइक नहीं हो रहे, क्या बात है, मतलब 50 से ज्यादा बच्चे लगातार लाइव देख रहे हैं, 70 बच्चे लाइव देख रहे हैं, पहले लाइक करो सबके सब, जितने बच्चों पहले लाइक करो, एक काम तो ये करो सबके सब जल्दी से लाइक करो, फिर बात करते आगे, सबके सब लाइक करो भाई जल्दी से, सबके सब लाइक करो जल्दी से। हाँ चलो बताओ, किस पदार्थ को दुनिया का सबसे पतली सामग्री कहा जाता है। यार सभी नाम तो सुने होंगे, क्या इसका नाम कभी सुने हो, नहीं, क्योंकि सबसे पतली है इसलिए नहीं सुन पाए। ऑप्शन नंबर डी ग्राफीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, ग्राफीन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। प्लैटिनम नहीं, प्लैटिनम नहीं होगी, ग्राफीन होगी। प्लैटिनम कहां सबसे पतली भाई, प्लैटिनम कहां सबसे पतली, ये तो सोचो, प्लैटिनम कहां सबसे पतली, इतना तो सोच ही सकते हो। अगले पे आ जाओ, बताओ जल्दी से क्या कहता है क्वेश्चन, किस आर्टिकल में है ये मामला। क्वेश्चन खुद पढ़ो, 26वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो फिर बताओ, सबके सब एक बार पहले पढ़ो फिर बताओ मुझे क्या होगा, है ना। चलो भाई जल्दी से पढ़ो, चलो भैया। हाँ यस, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही, 8/17 में। देखो उसने वही बात बोली है, ठीक है, गड़बड़ाना मत, उसने वही बात बोली है कि मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति को, भैया 17 में ही तो दिया गया है, मतलब छुआछूत खत्म करना, बोलो मतलब छुआछूत खत्म करना किसमें है, 17 में ही है, मतलब बात वही घुमा दिया गया है ना, बात वही है खाली घुमा दिया गया, समझ रहे हो, बात वही है खाली उसने बात घुमा दी और कुछ नहीं, वही बात है बस उसने खाली घुमा दी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना, वही सोच समझ के बताना सही आंसर क्या होगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यस, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, आसान सा क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन। यस, सिंपल सी बात है भाई, इलेक्शन में आप लोग अगर वोट करोगे तो ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी हैं आपके, ये मौलिक कर्तव्य थोड़ी आते हैं, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी 27वें का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिना किसी परेशानी बिना किसी दिक्कत का सही हो जाएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे कर पाओगे क्वेश्चन जल्दी से बता दो। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। यस यस यस, बिल्कुल सही है। सोमवीर है जो है ये मैंसो करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, नहीं समझ में आ रहा, कह रहे हैं ये तो पक्का सही होगा, 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 है। चलो बताओ भैया, यस, कब बढ़ती भैया, गर्मी में बढ़ती है ना, जो क्षोभ मंडल होता है उसकी जो मोटाई होती है वो कब बढ़ती है, गर्मी में बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सीप द्वीप, सीप आइसलैंड किसे कहा जाता है, किस और महाद्वीप को कहा जाता है, सर्दी नहीं होगी गर्मी होगी, समर होगा, बिल्कुल सही भाई अंजन, एकता सत्येंद्र जय सूर्या, ठीक है। हाँ
बिल्कुल सही होगा। सीप द्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। सीप द्वीप, कनारी, मदीरा, फरो या फिर वेलिंगटन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सीप द्वीप के बारे में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है ना, जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, बताइए बताओ भाई। यस, क्या हो जाएगा, फरो आइलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फरो आइलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, फरो आइलैंड, सॉरी सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पे है ये भी याद रखना है, तो नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ अटलांटिक में है हमारा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसवा, जो 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खोला खेला जाएगा आपका, है ना, 2023 का एक दिवसीय मतलब ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा, ये तो पता होना चाहिए हर बच्चे को, 2023 की बात है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तीसवा वाला, जल्दी से बता दो। यस, कहाँ पे खेला जाएगा, 23 वाला, इस बार इंडिया में ही खेला जाएगा, इस चीज को याद रखना सभी लोग। तो 2023 वाला जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे खेला जाएगा, इंडिया में खेला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटोप्लाज्म में जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, बताओ, जो आपका प्रोटोप्लाज्म में शब्द है ना, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, चार ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं, जल्दी से बता दो भैया, 31वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से करो पोल, बताओ सही आंसर क्या होगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, यस, किसने किया था, पुरकाइन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसने किया था, पुरकाइन ने, याद करो जल्दी से। देखो हर क्वेश्चन रिवीजन जरूर करो, नहीं रिवीजन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जितना रिवीजन करोगे उतना चीजें समझ में आएंगी, उतनी ही चीजें आपके लिए क्लियर होगा, और उतना ही चीजें आपको समझ में आएगी, उतना ही आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी उपाध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, और चार ऑप्शन आपके पास ये रहा, पढ़ो जल्दी से, करो पोल, बताओ सही आंसर क्या होगा। उपाध्यक्ष ना कि अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष या फिर इलेक्टेड होकर अध्यक्ष नहीं पूछा गया, हमसे उपाध्यक्ष पूछा गया है, इस चीज को समझना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, H.C. मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का सही आंसर लगा दोगे, क्लियर सभी को, बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाओ, क्या कहता है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने वे प्रस्ताव दिया है, 33 नंबर था क्वेश्चन, डायनेमिक, याद नहीं आ रहा, एकता, गलत आंसर हो रहे हैं काफी ज्यादा, है ना, एकता, गलत आंसर काफी ज्यादा हो रहे हैं, इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन करो डेली, सभी बच्चे जरूर आओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता ऐसे क्वेश्चन के कैसे कैसे सोल्यूशन होंगे, तो सब के सब बच्चे जरूर आइए, ठीक है, चलो भैया। तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये किसने कहा, किसने दिया ये सूत्र, जल्दी से बताओ, यस, किसने, जेबी क्लार्क, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, याद करो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में सॉल्व, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, तो हमें याद होना चाहिए कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, जेबी क्लार्क ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, मिर्च में तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, बिल्कुल सही बात है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास ये आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन की वजह से होता है, कभी भी अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके पूछा जाए कि जो मिर्च में तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कैप्सिसिन की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, कैरोटीन का नाम भी आप सभी ने बहुत सुना होगा, पक्का सुना है, एंथोसाइनिन का भी नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और लाइकोपीन का भी नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, जरा से मुझे हर बच्चे कमेंट करके बताओ एंथोसाइनिन का मतलब क्या है, एंथोसाइनिन किस चीज में यूज होता है, कैसा क्या है एंथोसाइनिन, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर एंथोसाइनिन का, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताइए। एंथोसाइनिन, सब के सब कमेंट करके बताइए एंथोसाइनिन का यूज क्या है। यस बिल्कुल, सुना तो सभी ने है ना, सुना तो सभी ने है, बिल्कुल सही भाई, सुना तो सभी ने है, लेकिन मुझे जल्दी से बताओ एंथोसाइनिन। यस ये भी सही बात है, चावल, कुछ बच्चे कह रहे हैं चावल के कलर काले, ये भी बिल्कुल सही बात है, वो एंथोसाइनिन की भी ही वजह से होती है ना, बिल्कुल सही बात है। और एंथोसाइनिन का मैंने पूछा है यूज, बताइए जल्दी से क्या होगा एंथोसाइनिन का यूज। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं चावल के काले रंग, वो भी बिल्कुल सही बात है ना, चावल के काले रंग में उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, पेन किलर क्या अमित कुमार, पेन किलर क्या, पेन किलर क्या, और हाँ बिल्कुल सही, लाल रंग होने का भी वजह क्या है, एंथोसाइनिन ही है। अच्छा ठीक है, कैरोटीन, बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे ने बताया कि कैरोटीन होता है वो किसमें, गाजर में, बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आप बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि एक वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग और उसकी आय को समान दिशा में बढ़ती है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उस वस्तु की कीमत से प्रतिलोम रूप से संबंधित होनी चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। हाँ नहीं पता, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, याद रखना उसे लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। जल्दी से रिवीजन मारो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की ये क्या है, ये एक हिसाब से डिफिनीशन है उसकी, हम सभी को रिवीजन होना चाहिए, हम सभी को पता होना चाहिए ये उसकी क्या है मेरे भाई, ये उसकी डिफिनीशन है, हम सभी को पता होना चाहिए। ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे एवरीवन। ठीक है अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं, समय शुरू, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से, करो पोल जल्दी से, करो कमेंट और बताओ सही आंसर क्या होगा, है ना, हर बच्चे को आंसर कमेंट करना है, हर बच्चे को आंसर कमेंट करना है। जिनको मान लो 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, वो बच्चे नो बोल देंगे कि सर मुझे नहीं आता, और अभी होते जा रहा है, तो प्लीज लाइक करते जाइए सेशन को, सब के सब लाइक करिए। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जल्दी से करिए पोल कमेंट और बताइए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यस सबको पता होता, ल्यूवेन हॉक, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सही है ए सही हो जाएगा। ठीक है एंटोनियो वान ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक सभी बच्चों को पता होता है ना, ल्यूवेन हॉक सभी को पता होता है। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया, तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा। अगले पे आ जाओ, 30 सेकंड का समय शुरू, बताओ। कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है, कौन से पौधों में जड़ ग्रंथि होती है, जल्दी से बताइए। हाँ ल्यूवेन हॉक सभी को पता है, जड़ ग्रंथि कौन से पौधों में होती है। हाँ बिल्कुल सही है ना, ए में, यानी पौराणिक पौधों में जड़ ग्रंथि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, ये ए पे से ये हट क्यों नहीं रहा, इस पे दिक्कत ही हो गया। चलो इस पे आ जाओ, देखते हैं, चलो हो तो रहा, लिखा तो रहा, फिर देखते हैं। ठीक हो गया पौराणिक। चलो विटामिन B9 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B9, 30 सेकंड का समय शुरू, बताइए विटामिन B9। हाँ बिल्कुल सही है, पीडीएफ सभी को टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, जितने बच्चे हैं पीडीएफ सभी को टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, डेली 7 बजे आओगे पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से, लेकिन वो 2-1 दिनों के बाद मिलेगी, तुरंत नहीं मिलेगी आपको। ठीक चलिए बताइए, रिफ्रेश करें, जिनका बफरिंग होगा रिफ्रेश करिएगा। यस समय खत्म होता है भाई, आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। विटामिन B9 को और क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, समय शुरू। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय के बारे में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया,
अर्थशास्त्र में जिन्होंने नोबेल मिला था जिन्हें, वो पहले भारतीय हैं, कौन से थे? क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से करिए पोल, बताइए सही आंसर क्या होगा। अर्थशास्त्र में जिन्हें मिला था नोबेल, वो पहले भारतीय कौन से हैं? चलो समय खत्म होने वाला है, जल्दी से करिए कमेंट, जिनको नहीं आता वो नो बोलिए। यस, कौन है भैया? तो ये है हमारे अमर्त सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है वो कौन है? अमर्त सेन है, ठीक है, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ, 30 सेकंड का समय शुरू होता है। चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री के द्वारा आमतौर पर किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? आप सभी को पता होगा अभी हाल ही की बात है ना, चुनावी वर्ष चल रहा था हम लोग का, और यहाँ पे आम बजट वहाँ पे पेश हुआ था, लेकिन जो नाम था उसका चेंज कर दिया गया था, और उसे किस तरीके का बजट कहा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप सभी को याद होगा, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा। समय खत्म होने वाला, जल्दी से पोल करिए, कमेंट करिए सबके सब। यस, याद होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट बोलते हैं, अंतरिम बजट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, अभी हाल ही का ये खबर है और हाल ही में परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगले पे आ जाइए, समय शुरू आपका। सिंपल सा क्वेश्चन, भारत के नेपोलियन, जल्दी से करिए पोल। बिल्कुल सही बेटा एकटा, बिल्कुल सही श्वेता, बिल्कुल सही अंजन, सत्येंद्र, कृष्णानु, अनीता, श्रुति, संतोष, मुन्ना, एवरीवन, श्वेता है ना, बताइए। चलो समय खत्म हो रहा है, जल्दी से करिए पोल, जल्दी से करिए कमेंट, बताइए। यस, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पक्का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 42वां, समय शुरू, बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर बताइएगा, क्या हो सकता है? 30 सेकंड आपके लिए बहुत है हर क्वेश्चंस के लिए, सोचिए समझिए और बताइए एवरीवन। हाँ बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त नीतीश भाई, बिल्कुल सही है ना, बताइए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डेली 7 बजे हम लोग जरूर मिलेंगे, डेली 7 बजे आपको भी आना है, हर क्वेश्चंस के लिए साथ रेडी रहना है, रिवीजन होते जाएगा, दोबारा फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। कौन सी नदी हिमालय में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? समय खत्म होता हुआ, तो ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हिमालय में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अनुच्छेद 343 के बारे में बात कर रहा है, समय आपका शुरू हो गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। अनुच्छेद 343 क्या होगा, जल्दी से करिए कमेंट और बताइए क्या होने वाला है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? चलो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जो सभी सोच रहे हो है ना, क्या है? हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या है अनुच्छेद 343? यही बिल्कुल सही है ना, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 क्या है हमारा? हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, सभी को पता होगा है ना, आसान सा क्वेश्चन था। जितेंद्र मौर्य भाई, बिल्कुल नाम लेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे भाई, नाम सभी का नाम लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला बताइए, समय शुरू करिए पोल। हड़प्पा संस्कृत के मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? कौन सा जानवर आपको उसमें नहीं दिखाई देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोल करिए सबके सब, कमेंट करिए सबके सब, बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए कौन सा जानवर नहीं दिखाई देता था। समय शुरू हो गया आपका और यहाँ पे ख़त्म भी, तो याद रखना सभी लोग, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमारी परीक्षाओं में आया भी है। तो कौन सा जानवर नहीं, गलत है भाई, गलत है सुकेश, गलत है ना, तो कौन सा नहीं दिखाया जाता था? गाय का कोई वर्णन नहीं था, किसमें? हड़प्पा में और टेराकोटा में, ठीक, नहीं बाघ नहीं भाई एकता, गाय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? गाय। अगला,
बताओ, समय शुरू। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका है, सभी को पता है, संविधान का संरक्षक उसे कौन बनाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है ना? बताइए, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, 45वां क्वेश्चन है, जल्दी से करिए कमेंट और बताइए। यस, कौन बनाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्यूडिशियल रिव्यू, वो संविधान के संरक्षक है। हो सकता है गलती से उन्होंने कुछ और कह दिया हो, कुछ और भैया अपना जो है न्याय सुना दिया हो, लेकिन रिव्यू कर सकते हैं और यही चीज उन्होंने संविधान का संरक्षक बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। हाइड्रोमीटर के बारे में पढ़ा तो सबने है, आविष्कार किसने किया था, देखते हैं ये कितने बच्चों को याद होता है ना? पढ़ा तो सबने हाइड्रोमीटर के बारे में, कितने बच्चों को याद होता है देखते हैं, बताओ भाई। हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, 46वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, समय खत्म होता हुआ। किसने किया था भैया हाइड्रोमीटर का? निकोलसन, विलियम निकोलसन, याद रखना। हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? विलियम निकोलसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन हो जाएगा? हाइड्रोमीटर का आविष्कार कभी भी पूछा जाएगा तो विलियम निकोलसन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है? समय शुरू हो गया 30 सेकंड का, जल्दी से बताइए। रामनाथ स्वामी किस भगवान का मंदिर है, जल्दी से बताइए। रामनाथ स्वामी, मे बी आपको नाम से ही कुछ पता चल जाए। रामनाथ स्वामी, कोशिश करिए, शायद आपको नाम से ही पता चल जाए किस किस भगवान का मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है रामनाथ स्वामी। यस, चलो, किस भगवान को संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव को, यानी ऑप्शन नंबर ए, नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, भगवान शिव को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फीफी पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। फीफी पुरस्कार, जल्दी से बताइए, है ना? फीफी पुरस्कार, बताओ भाई, फीफी पुरस्कार किस उद्योग में दिया जाता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ढांसू सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से करिए कमेंट और बताइए सही आंसर क्या होगा। फीफी पुरस्कार, हाँ, भगवान सिंह, बिल्कुल सही बात है। फीफी पुरस्कार किस उद्योग में दिया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस, फीफी, 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 याद रखना। फीफी क्या हो जाएगा? इत्र उद्योग में दिया जाता है, यानी परफ्यूम्स में दिया जाता है। परफ्यूम बहुत अच्छा बनाओगे, फीफी पुरस्कार लेकर जाओगे और नामी का नाम कमाओगे। अगला क्वेश्चन, ये हट नहीं रहा है, जो आपको उसको आंसर मत समझ लीजिएगा, ठीक है? हट नहीं रहा, उसको आंसर मत समझिए, मैं जो हाथ से लिखूंगा उसी को मानिएगा। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है, यानी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान? जल्दी से बताइए, 49वां क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा? यस, क्या होगा सही आंसर? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा भैया नागपुर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक, सबको याद होना चाहिए। चलो, तो अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर डाले? 49 क्वेश्चन कर डाले। डेली कितने करने हैं हमको? 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन के लिए एवरीवन इज रेडी, बोलो भैया। और कितने बजे आएंगे? शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे किसी भी हालत में आपको यहाँ पे अवेलेबल रहना है, क्योंकि आपको आज क्वेश्चंस की क्वालिटी देख के पता चल गया होगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में आज रात या फिर कल सुबह तक मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ आपको ये बता दें, ये सबसे बेहतरीन है। अब मैंने इसको पहले ही अनअकैडमी प्लस पे करा दिया है, तो उन सारे बच्चों के लिए रिवीजन है, मतलब वो पहले से ही आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं और उन्हें मैथ की बहुत सारी शानदार पीडीएफ देखने को मिल रही है। आप सभी बच्चे अनअकैडमी प्लस का सेशन जरूर बाय करिए। और अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, और आपका आखिरी क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। जल्दी से करिए कॉमेंट और बताइए सही आंसर क्या होगा। सबके सब बच्चे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
सबके सब बच्चे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 50वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से बताइए 50वां क्वेश्चन। हाँ भाई मनीष, मुझे भी यही लग रहा है कि आप लोग 4 बजे से साथ ही हो और रहोगे ही, है ना। चलो बताओ बताओ भाई। चलो, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल सही, कैल्शियम भी जरूरी है और फास्फोरस भी जरूरी है अगर हमें हड्डी और दांत दोनों का निर्माण करना है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी को बहुत मजा आया होगा। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर करिए। डेली शाम को 7 बजे GK & GS के ऐसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेकर हम लोग आपके सामने आते हैं। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड जरूर करिए। हम लोग वहाँ पर डेली स्पेशल क्लास करते हैं, यानी डेली फ्री क्लास करते हैं। आपको वहाँ पर लाइव कैसे होता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन कोड आपको बाई करना है, प्लस बाई करना है, तो आप ऊपर लिंक से बाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करिएगा। एक चीज जरूर काम करिएगा, सिर्फ मेरे मेरे कहने पे जब आप इस सेशन को छोड़ के जाइएगा तो इसको अपने किसी भी 2 ग्रुप में जरूर शेयर करिए, जहां आपको लगता है सबसे ज्यादा टेलीग्राम में बच्चे हैं, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप में बच्चे हैं, या फिर आपका सबसे चहेता ग्रुप है, आपके भाई बहन सगे संबंधी वहां है, तो वहां पर इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट आया हूं मैं खुद, ठीक है, ओके।